हे एवरीवन, नाउ सिंस डे आफ्टर टुमारो इज योर अकाउंट्स पेपर, हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ नॉन सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट्स आ रहे थे. हमने सोचा कि उसको पिकअप कर लें. क्वेश्चंस लाइक अभी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं. अब जब कुछ लोग एंड मोमेंट पे मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट दे रहे हैं और सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो अब तो कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बचा नहीं है. तो क्या कर सकते हैं? अगर कोई चैप्टर नहीं हो पाया है तो अब क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले पिकअप करते हैं एक और क्वेश्चन कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. नाउ कॉन्फिडेंस डजंट कम व्हेन यू हैवन टेस्टेड योरसेल्फ इनफ और यू हैव लेफ्ट गुड नंबर वेटेज वाले चैप्टर्स. तो आई थिंक अब तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है. एंड इन दिस गिवन वन एंड हाफ डे यू शुड नॉट पिक अप द न्यू चैप्टर्स, रादर यू शुड फोकस ऑन यू नो री रिवाइजिंग दी अर्लियर चैप्टर्स विच यू हैव ऑलरेडी डन. वो तो सबको ही पता है. दोस्तों, जो चैप्टर आपका अभी बचा हुआ है वो आप चॉइस में छोड़ सकते हो. अगर आपकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट है, अगर थ्योरी नहीं कंप्लीट है, हमारे चैनल पर जाओ, दो घंटे में हमने अकाउंट्स की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी है. तो अगर कोई चैप्टर छूटा है और थ्योरी भी छूटी है, तब सॉरी, आप चॉइस पे उसको नहीं छोड़ सकते. लेकिन अगर थ्योरी पे कमांड है, तो कोई अगर एक चैप्टर नहीं हुआ है, एक मेजर चैप्टर की बात कर रही हूँ, तो उसको आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? बस शर्ते वो उसमें ना आ जाए, सब क्वेश्चंस में आना आ जाए, वो आपकी बैड लक होगी. तो डेफिनेटली यही मैं बोल सकती हूँ. और नंबर टू, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि कोई चैप्टर अगर छूटता है तो उसके सिर्फ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. इट्स ऑफ नो पॉइंट, नो यूज़, क्योंकि वही क्वेश्चन तो डेफिनेटली रिपीट नहीं होगा. और बिना कंसेप्ट के आप अकाउंट्स के क्वेश्चन कर नहीं सकते हो, थ्योरी में एक बार कर भी सकते हो. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसका, जिसमें मार्क्स भी ना जाएँ और काम भी बन जाए. दूसरा, सिली मिस्टेक्स अगर हो रही हैं, तो देखो, सिली मिस्टेक्स एग्जाम में और होती हैं, क्योंकि वहाँ पे पसीने और छूटते हैं. तो इट्स जस्ट अबाउट अटेंशन, बीइंग कम्प्लीटली अटेंटिव. जितनी अटेंटिव मैं इस वक्त हूँ सामने आपके, इतना ही अटेंटिव अगर आप रहोगे. देखो, बहुत सारे बच्चों का पहली बार सेंटर पे पेपर होता है, बड़े हताश और बड़े नर्वस से हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं. तो भाई, लास्ट मोमेंट तक नहीं पढ़ना है. गर्मी का मौसम है मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो हमने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेना है कि क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी है. सेंटर पे पहले दिन जल्दी पहुंचना है, सो दैट वहाँ पे जाके हड़बड़ी ना हो, पसीना ना छूटे. टाइम से बहुत पहले निकल जाइए फर्स्ट डे अगर सेंटर देखना है तो, और वहाँ पे जाकर के थोड़ा सा रिलैक्स होइए, सो दैट ये आपके अटेंशन में काम आएगा. हम जब हड़बड़ी में होते हैं, लेट पहुँचते हैं, आधा सामान छूट रखा है, पसीने हो रखे हैं और प्यास लग रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो अटेंशन डेफिनेटली केयरलेसनेस है वो, और आप अटेंटिव नहीं हो पाओगे. तो वहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स करने के और चांसेस होंगे. सो ऑल ऑफ दिस इज कॉम्प्रहेंसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिली मिस्टेक्स और केयरलेसनेस. तो या वन मोर थिंग, और इधर ताक झाक ना करें, अपना दो कैलकुलेटर लेकर के जाएं, अपना स्केल, अपना पेन, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लेकर के जाएं, अपनी बॉटल, अपनी जो है लूज़ कपड़े वगैरह पहन करके जाएं, मोबाइल फ़ोन अगर ले भी जाते हैं तो अपने बैग में साइलेंट करके रख सकते हैं. ये भी सवाल आ रहा था. सेंटर पे बहुत सारे एग्जामिनर्स जो है अलाउ नहीं करते सेंटर पे रखना, तो हम लोग तो अपने बैग्स में रख देते थे. तो ये सारी चीज़ें हैं और आई थिंक दैट्स इट. ऑल दीज आर स्मॉल पिटी थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए. कुछ चैप्टर नहीं हुए हैं तो उसके अटेंशन, मतलब कौन सा, तुम 100 में से अगर एक चैप्टर का क्वेश्चन, मतलब मान लें 8 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है, छोड़ देते हो तो तुम फेल हो जाओगे क्या? फॉर्मैट्स पे बहुत ध्यान देना है. फॉर्मैट्स में पेन पेंसिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेन से करना है फॉर्मैट. वैसे थोड़ा सा लीक हो जाता है पेन, तो तब देख लेना पेंसिल से कर सकते हो, बट आई थिंक कि पेन पेंसिल करने से काफ़ी टाइम वेस्ट होता है. और एक और लास्ट चीज़ थी जो कि मेरे दिमाग में आ रही थी, या मतलब सडन एटिकेट्स ऑफ एग्जाम्स. यू शुड वेयर वेरी लूज क्लोथ्स, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लाइक वाटर एंड फूड एंड स्टफ, बीमार ना पड़ जाओ. अक्सर मैं तो बीमारी पड़ जाया करती थी एग्जाम सेंटर्स में जाते वक्त, है ना? तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स रियली मैटर. एंड दैट्स इट. कोई और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना. और अब ज़्यादा मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा, अब ऑल द बेस्ट का ही वीडियो आएगा. और कमेंट सेक्शन का मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, जैसे हमारी टीम हमेशा करती है. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और अच्छा होगा.